गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है महालया, आप सबको मेरी तरफ से शुभ महालया का हार्दिक अभिनंदन। नेक्स्ट वीक से दुर्गा पूजा स्टार्ट होने वाला है, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी तरह आप लोग भी एक्साइटेड हैं, मुझे पता है। प्रे करिएगा कि ये बारिश बंद हो जाए नेक्स्ट वीक से, क्योंकि दुर्गा पूजा के लिए सब लोग इंतजार करते हैं एक साल से, और वो कुछ दिन अगर बारिश की वजह से सब बर्बाद हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना। आज मैं आप लोगों के साथ एक गॉर्जियस अष्टमी लुक शेयर करने वाली हूँ। मेकअप को आप थोड़ा सा इधर उधर करके, थोड़ा कम या ज्यादा करके भी लुक को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फेस को मॉइस्चर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर फेस क्रीम। अगर आप कोई गॉर्जियस मेकअप करते हैं तो मेकअप शुरू करने से पहले, यानी कि फाउंडेशन लगाने से पहले, एक प्राइमर लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्राइमर अप्लाई करते हैं तो फाउंडेशन आपकी स्किन में बहुत अच्छी तरह से अप्लाई होता है। सेकंड चीज है कि इतना गर्मी है यहाँ पे, तो फाउंडेशन मेल्ट होने की चांस रहता है। और अगर आप प्राइमर लगाते हैं तो फाउंडेशन को मेल्ट होने से रोकता है ये प्राइमर। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ NYB का प्राइमर, आप कोई भी प्राइमर यूज कर सकते हैं। प्राइमर इतना थोड़ा सा लगता है, अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे प्राइमर लगाना जरूरी है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 115 आइवोरी। मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको अप्लाई करूंगी। अगर आपको फुल हाई कवरेज चाहिए तो थोड़ा ज्यादा ही अप्लाई कीजिएगा। ऐसे एक वेट ब्यूटी स्पंज की मदद से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। मैंने फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का ये कंसीलर है। कंसीलर को मैंने अपने अंडर आईज में, आई लिड में और जहाँ जहाँ मुझे ब्लैक स्पॉट है वहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है। फाउंडेशन एंड कंसीलर को ब्लेंड करने के टाइम कभी स्पंज को ड्रैग नहीं करना चाहिए, ऑलवेज उसको डैब डैब करके ही ब्लेंड करना है। फाउंडेशन लगाने के टाइम अपना नेक और ईयर भी लगाना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट मैं अपने फेस को सेट करने के लिए एक लूज पाउडर की हेल्प ले रही हूँ। वीडियो बनाते टाइम मम्मी मुझे तालेर बड़ा खिला रही थी, जो कि काफी यम्मी था। आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो की। यहाँ से मैं ये दो कलर को मिक्स करके अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। अब मैं आई शेडो अप्लाई करूंगी, और आपको याद रखना है कि आई शेडो अप्लाई करने से पहले आप अपने अंडर आईज में थोड़ा सा पाउडर अप्लाई कर लीजिए। पिंक कलर का आई शेडो, यहाँ पे मेरे पास एक आई शेडो पैलेट जो आपको लोकल स्टोर में इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे जो जो कलर है बहुत ही वाइब्रेंट कलर है, तो यहाँ से मैं अप्लाई करूंगी ये पिंक कलर को। ये पिंक कलर लेके मैं आईज के इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर में लगा रही हूँ।
और एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की है मदद से मैं उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूंगी। मिडिल में जिस पोर्शन को मैंने अभी फिलअप नहीं किया है वहां पे मैं अप्लाई करूंगी लैक्मी 925 का आई शेडो पैलेट से ये गोल्डन कलर। काजल अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन का जेल आईलाइनर। आईलाइनर के लिए मैं लैक्मी इंस्टा लाइनर यूज कर रही हूँ। पर्सनली मुझे ये लाइनर एकदम पसंद नहीं है क्योंकि मेरे आईज में ये लाइनर ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे इसलिए ये पसंद नहीं है एकदम। ये लाइनर को मैं सिर्फ और सिर्फ YouTube वीडियोस बनाने के लिए ही खरीदी हूँ। पिंक आई शेडो को काजल के ऊपर से मैं लगा रही हूँ अपने आई लुक को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी ब्लशर। ब्लशर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का ब्लशर। ये एक पीच कलर का बहुत ही अच्छा एक ब्लशर है, मुझे इसका कलर बहुत पसंद है। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ सिवाना कलर्स का शिमर ब्रिक हाइलाइटर पैलेट। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ NYB का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड सिटकॉम स्पेशल। मेरा मेकअप एकदम कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है मेरी साड़ी और ज्वेलरी की।
कैसा लगा आपको मेरा आज का ये अष्टमी ग्लैमरस लुक? अगर आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, वंस अगेन आप सबको शुभ मोहलाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।